हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नोक्रेट यूनाइटेड। और आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त अनबॉक्सिंग लेके आ गया हूँ, बिकॉज दिवाली भी आने वाली है। दिवाली पे हम लोग होम डेकोरेशन करते हैं और गिफ्ट्स भी एक दूसरे को देते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मस्त चीज ले आया हूँ जो आपको होम डेकोरेशन को एक चार चांद लगा देगी, और ये बजट में भी आपको मिलेगी। यस, बजट में ही मिलेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मार्केट प्लेस पे हो चाहे वो ऑनलाइन हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो गाइस, ये है लैंप जो आपको रिचार्जेबल मिलेगा। ना ही आपको इसके अंदर सेल लगाना है, ना ही आपको इसके पावर से कनेक्ट करके रखना है, सिर्फ आपको उसको चार्ज करना है और ये आपके होम डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स अनबॉक्स। सो गाइस, ये है हमारे पास रोज डायमंड टेबल लैंप, यूएसबी चार्जिंग टच लैंप, ठीक है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉक्स है। इसके और भी डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ बिकॉज ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये मार्केट प्लेस से ले लिया था। सो इसे अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। 1, 2, 3, ओ यस। सो गाइस, ये है हमारे पास लैंप। आप इसे जल्दी से पहले निकाल के साइड में रखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस हमें इसके अंदर मिल जाता है USB 2 USB Type-C, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल टाइप सी ट्रेंडिंग में है, हर फोन में आप देखेंगे टाइप सी आ रहा है, तो दैट इज़ गुड कि हमें टाइप सी केबल मिली है और क्वालिटी अच्छी है। एंड साथ ही साथ हमें इसके अंदर मिल जाता है कुछ पेपर्स, इन्होंने कुछ डिज़ाइन बता रखे कि हमारे कुछ इस तरीके के डिज़ाइन हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमें मिल जाता है छोटा सा मुन्ना सा रिमोट, जिससे हम कलर कंट्रोल कर सकते हैं इस लैंप का, जिससे ब्राइटनेस आप हो गए, डाउन हो गए या ऑन ऑफ, या बहुत सारे कलर इसके अंदर आपको मिलेंगे। एंड साथ ही साथ बहुत सारे शेड्स भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस लैंप की, तो इसे अनरैप करते हैं। ओ ये, और देखो ये पिन्नी से निकालते ही ये स्टार्ट हो गया, बिकॉज इसका जो टच सेंसर है वो यहाँ पे है। लुक एट दिस, है ना, टच सेंसर इसके यहाँ से नीचे से कुछ आप देखेंगे, कुछ इस तरीके से इसकी बिल्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है डायमंड कट इसका डिज़ाइन। लुक एट दिस। सो गाइस, ये है इसका रिमोट। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं, ठीक है। तो पहले फ्लैश मोड कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लैश मोड इसका नॉर्मल है, जिसपे ये रन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास फीड मोड है, तो फीड मोड लगाते हैं। लुक एट दिस, ये फेड इसका हो रहा है और कलर फेड होके होगा। ये देखिए सेकंड कलर आ रहा है, लेकिन वो फेड होके आ रहा है। एंड जो इसका लास्ट मोड है वो है स्मूथ, तो स्मूथ करके देख लेते हैं जी। तो ये कुछ इस तरीके से स्मूथ कलर होंगे। तो सारे मोड अच्छे हैं काफी। सो गाइस, इसके अंदर आपको काफी कलर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे अगर ये कलर चाहिए तो ये कलर आप कर सकते हैं, रेड चाहिए तो रेड आप कर सकते हैं, अगर आपको मजेंटा चाहिए तो मजेंटा आप कर सकते हैं, येलो चाहिए तो येलो कर सकते हैं। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स अवेलेबल इन दिस स्मॉल लैम्प। और बाकी अगर आपको रिमोट यूज़ नहीं करना तो आप टच सेंसर यूज करके कर सकते हैं। इसमें आपको एक बार मैं अंधेरे में करके दिखाता हूँ। सो गाइस, लुक एट दिस, मैंने ये पूरा अंधेरे रूम में कर दिया है, मैंने अपना रूम पूरा लाइट्स बंद कर दिए हैं। तो लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है इसका। और इसका लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ही अमेजोन से मंगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी प्राइस पे। मैंने सबसे जो लोएस्ट प्राइस है मैंने उसका लिंक आपको दिया है, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। जो इसका साइड में से उन्होंने सर्कल से बना रखे हैं डायमंड कट से, लुक एट दिस मैन, रेड कलर में। ओ वाली में तो आपके चार चांद लगा ही देगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। लुक एट दिस मैन। वाओ, सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर दिवाली एंड गिफ्टिंग अदर्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा कलर मुझे लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। लुक एट दिस कलर, राइट, दिस इज ब्लू। और अगर मैं आपको प्योर व्हाइट दिखाऊं इसका, वो लुक एट दिस। एंड गाइस, अगर जब हम इसे रखेंगे तो लुक एट दिस, ये सर्कल बना लेता है जैसे कि पहले बना रखा है। लुक एट दिस, ठीक है। दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर सीन इन द मार्केट, ठीक है। और इतने अच्छे प्राइस में और इतने अच्छा सब कुछ है इसके अंदर, बिकॉज सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। किसी लाइट्स में होता है कि प्लग लगा के रखना पड़ता है या फिर उसके अंदर सेल डलते हैं, ठीक है। बट इसमें सच ऐसा कुछ नहीं है, एक बार चार्ज कीजिए और भूल जाइए, ठीक है। तो अगर सॉफ्ट ऑफ करना है तो एक बार यहाँ पे पॉज करके रखेंगे तो लुक एट दिस, ये बंद हो गया, और दोबारा पॉज करके रखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल दो आप इसके रिमोट से भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फॉर श्योर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनको भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर आप गिफ्ट करना चाहते हो। सो गाइस, ये लैंप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें चाहिए मेरे चैनल पर तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
बी यूनाइटेड।